Hey guys and welcome back to my channel. Today I'm right here in block 19 in lovely professional university, and the reason why I'm wearing this formals is because I have just came out of a presentation and right now my exams are running, and that's why the videos are not that frequent in my channel now. According to this video is going to be 5 things that I like about LPU. So stay tuned and enjoy the video. That you hit the subscribe button if you haven't already. I would really appreciate that as it would really help me grow. So the very first thing which I want to talk about is LPU's administration. Guys, LPU's administration is, I can say, is one of the topmost kind of administration when it comes to how the university is managed. Because तो गाइज यहाँ पे एक पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं UMS. It stands for University Management System. It literally has everything in it. आपको फीस पे करनी है आप वहाँ से कर सकते हैं, टाइम टेबल वहाँ से, कोई भी लाइव, अगर कोई भी आपको यूनिवर्सिटी में कंप्लेन है, RMS, किसी क्लब के एक्टिविटी में. इनफ यार, इसे कुछ समझ में नहीं आना तो चलो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं UMS होता कैसा है. तो UMS बिल्कुल आपके सामने आ चुका है. UMS में आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे. इसके अलावा यहाँ पे आपका टाइम टेबल शो होता रहता है, यहाँ पे कोर्स अटेंडेंस शो होते हैं. इसके अलावा ऊपर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं UMS नेविगेशन का, इंपॉर्टेंट लिंक्स का. UMS नेविगेशन के अंदर और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि फीडबैक सर्विस, एग्जामिनेशन पैटर्न, यहाँ से फीस पे होती है, फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से, LMS इज फॉर कंप्लीट योर कोर्स स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज रिगार्डिंग योर क्लब एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग. एंड इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जैसे प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको UMS पे देखने को मिलती है. इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अकेडमी कैलेंडर और बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है. तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू. आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं क्यों अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इतना अच्छा पोर्टल, सारी चीज़ें एक जगह पे बहुत कम ही कॉलेजेस में देखने को मिलती है. सो दैट इज़ व्हाई आई हैव केप्ट दिस पॉइंट एज माय नंबर वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट विच आई लाइक अबाउट LPU इज यहाँ के प्लेसमेंट्स. यारो पता है क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में ही मुझे सुनने में आया कि सिंस फर्स्ट ईयर दे विल स्टार्ट द प्लेसमेंट ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स लाइक wearing clothes like this. The entire formal clothes are made compulsory for the first year itself. And also 9-to-5 classes होती है तो एक atmosphere बन जाता है जो एक स्टूडेंट को कॉर्पोरेटी कर देता है. और उसके बाद एज सून एज द थर्ड ईयर बिगेंस आपकी प्लेसमेंट क्लासेस शुरू हो जाती है. जैसे मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, मेरी प्लेसमेंट क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है. एंड मेरा अभी तक थर्ड ईयर पूरा भी नहीं हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर 3 प्लेसमेंट ड्राइव्स, विच इज़ अ गुड थिंग. और एक और बहुत अच्छी चीज़ है अगर LPU की, बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, जब आप फोर्थ ईयर में होते हो तो फोर्थ ईयर आपके होने के बाद आपका प्लेसमेंट्स होते हैं और उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो आपका कुछ हो पाता है. लेकिन LPU में पता है क्या होता है, LPU में जैसे ही आपका थर्ड ईयर हो जाए उसके बाद आप इंटरव्यू दे दो इंटर्नशिप के लिए. एंड अगर आपका किसी भी इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया, गाइस आपको फोर्थ ईयर LPU में रहने की ज़रूरत ही नहीं है. 1 ईयर कंप्लीट इंटर्नशिप और इन ऑफिस इंटर्नशिप, जाओ इन्जॉय करो एंड LPU विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड द थर्ड थिंग विच आई लाइक अबाउट LPU इज़ यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़. गाइस आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है हर किसी चीज़ में. यू कैन से LPU इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस I have ever been to in my entire life. Because यहाँ पे हर चीज़, आप किसी भी चीज़ में interested हो, doesn't matter, यहाँ पे उससे related daily competitions होते रहते हैं, daily उससे related activities होती रहती है. तो there will be a lot of chances, there will be a lot of opportunities which you can grab and be successful in your life. So right in front of me is the Division of Students Welfare. This is the DSW building and this is where the magic happens. This is right in front of the mall as you can see. And let's go inside and see what is there. एक्चुअली दोस्तों बात क्या होती है ना, सारी जितनी भी LPU में एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ रिलीज होती है, जितने भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो सारे DSW के अंदर ही बनते हैं. यहाँ पर आपको हर एक्टिविटी रिलेटेड रूम्स मिलेंगे जैसे कि डांसिंग, म्यूजिक, टाइक्वांडो, बैडमिंटन, आर्चरी एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ द प्लेस इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग अदर देन स्टडीज, दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर टेकन केयर ऑफ. फोर्थ थिंग विच आई लाइक अबाउट LPU इज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर. इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्ल्ड क्लास एंड ट्रस्ट मी ऑन इट. अभी रिसेंटली मेरा एंड्रॉयड का एग्जाम हुआ था एंड आई वॉज सो वरीड कि यार एंड्रॉयड के लिए तो हमको हैवी मशीन्स चाहिए होती है, हैवी कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होते हैं, क्या हमारी लैब में वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी. तो जैसे ही मैं लैब में गया, गाइस If you are from tech background, you will understand this. Computer labs are having i5 9th generation with 8GB of RAM. Like seriously, this kind of machines in computer labs and also iMac labs for Swift development and that thing. So yeah, infrastructure ke mamle mein, I rate LPU 4.5 out of 5.
fifth thing which I want to discuss here is the security. Guys, LPU की security बहुत ज़्यादा अच्छी है. यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी बहुत problem हो जाए क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा restrictions है. लड़कों के लिए फिर भी कम है, but लड़कियों के लिए I'm sorry girls, if you are planning to come to LPU, you have to face a lot of restrictions. And but ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो रहे होंगे इस चीज़ को लेकर, तभी शायद उन्होंने इतने रिस्ट्रिक्शंस बनाए हुए हैं. बिफोर कमिंग टू LPU मुझे बहुत लोगों ने कुछ बातें कही थी, जैसे कि यहाँ पे यार पंजाब है तो ड्रग्स बहुत होगी, अल्कोहल बहुत होगा. यार पंजाब तो नाम से ही बदनाम है, अब आके तो देखो ज़रा LPU के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला. एंड पीपल लोग मैं देख रहा हूँ कोरा पे भी बोलते हैं कि ये सब बहुत कॉमन है आज पे, या ये सब है. गाइस मैं भी 2 साल हॉस्टल में रहा हूँ, मैं अभी बाहर गया हूँ और मैं काफ़ी टाइम से LPU में हूँ, इट्स माय 3rd ईयर. सो आई हैव फेस्ड इट ऑल एंड आई नो जो लोग करते हैं उनके साथ क्या होता है. तो आप बेझिझक रहिए, आपको LPU में ये सब कुछ नहीं मिलेगा. अगर LPU के अंदर कुछ मिल भी जाता है तो यू कैन ईजिली रिपोर्ट इट, उसके बाद तो क्या होना है आपको पता ही है. That was all the point guys, I hope you liked the video. In case you have liked it, don't forget to press the like button and share the video as much as you can, and subscribe the channel if you are new, and also don't forget to follow me on Instagram, because whatever happened behind the scenes is on my Instagram. Now this is Aashay Kapoor signing off. I hope you guys have enjoyed the video. Stay blessed, stay happy till the time.